i work hard stay positive be kind and good things will happen today is 17th of july 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in the morning we are having five such multiple choice questions join our telegram channel then this is quiz number 77 geography रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर मैग्निट्यूड ऑफ अर्थ क्वैक इंटेंसिटी के लिए मरकाली स्केल होती है और ये जो रिक्टर स्केल होती है ये लॉग्रदमिक होती है मतलब रिक्टर सिक्स और रिक्टर फाइव टेन टाइम्स डिफरेंस आ जाता है सो रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर अर्थ क्वैक सुनामी जो वर्ड है ये एक जैपनीज वर्ड होता है किली मंजारो तंजानिया में है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इग्नियस रॉक्स द आंसर इज इग्नियस रॉक्स में क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं फोल्डिंग रिजल्ट ऑफ ओरोजेनिक ओरोजेनिक। फोर्सेस माउंटेन बिल्डिंग आज के सवाल गया सेशन इंडियन नेशनल ओनली द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिडेड ओवर बाय महात्मा गांधी जी वॉज इनमें से क्या करेक्ट सवाल करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है

टॉर्पिड टॉर्पिड मतलब सुस्ती होता है मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव लेथार्जिक स्लगिश प्रकैरियस मीनिंग होता है अनिश्चित नॉट सेफ स्ट्रॉन्ग और स्टडी फोर सी का मतलब होता है पूर्वानुमान बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड और प्रडिक्ट इमोल्यूमेंट मतलब होता है वेतन अ सैलरी फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस किस स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो

रेगुलरली करेंगे और आपका सी सेट में बहुत अच्छी कमांड डेवलप हो जाएगी सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन न्यूज़ बाइट्स में पहला जो न्यूज बाइट है वो है अबाउट मिशन इंद्रधनुष दिस इज़ मिशन इंद्रधनुष एक जो बैंक है उनका भी ऐसा मिलता जुलता इंद्रधनुष है दैट इज डिफरेंट दिस इज मिशन इंद्रधनुष फॉर किड्स बी वाइज गेट योर चाइल्ड फुल्ली इम्यूनाइज वैक्सीनेशन अच्छे होते हैं ये जो मिशन इंद्रधनुष है 2014 एम्स टू कवर ऑल चिल्ड्रन हु आर इधर अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज वैक्सीन्स क्या होती है एक होते हैं पैथोजन्स पैथोजन्स क्या होते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट्स वैक्सीनेशन क्या होती है इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट मैच ट्रायल रन जिसमें हमारी बॉडी इन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स के लिए एक मैच प्रैक्टिस कर लेती है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स के लिए सो so जब इन एजेंट्स का एक्चुअल में अटैक होता है तो बॉडी उसको बहुत सक्सेसफुली वार्ड ऑफ कर देती है सो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ये वैक्सीनेशन है इसके जनक कौन है पहली वैक्सीनेशन कौन सी बनी थी टेल वैक्सीनेशन तो इसमें कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज होती है उसके लिए होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यू में फ्री वैक्सीन मिलती है 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस पोलियो हेपेटाइटिस बी न्यूमोनिया, मैनजाइटिस मीजल्स रुबेला जैपनीज एनसेपलाइटिस एंड रोटा वायरस डायरिया इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष दो हज़ार सत्रह में आया था और इसमें बात था एक्सेलरेट करो हर बच्चे के पास पहुंचना है जो दो साल से कम है एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन लेफ्ट अनकवर्ड अंडर रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो हर किसी को इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना इज गवर्नमेंट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सो दिस इज मिशन इंद्रधनुष ये जो सेकेंड है एट दिस पिक्चर इसका नाम है जागृति 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 का, का काम क्या है ग्राहो जागो ग्राहक जागो कई बार जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके साथ फ्रॉड्स होता है एट्सेट्रा तो उसके लिए है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर वन नाइन वन फाइव जैसे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर बुलाया बट जब आपने उस बॉक्स को खोला तो उसमें आईफोन की जगह से सोप का बार है या फिर समथिंग एल्स है तो लाइक दैट्स अ फ्रॉड तो उसके लिए है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जागृति एक मैस्कट लॉन्च किया है एम्पावर करना है कंज्यूमर्स को जनरेट करना है अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स एम्पावर एंड अवेयर तो जागृति का काम क्या है कंज्यूमर को एम्पावर करो उनको उनके राइट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दो समझाओ जागरूक बनाओ द मैस्केट विल बी यूज टू जनरेट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट वेरियस थीम्स ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक टर्म होता है हॉलमार्किंग जैसे गोल्ड हम खरीदते हैं तो उसमें हमेशा हॉलमार्क देखा जाता है प्रोविजन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट एट्सेट्रा ये जो वेट्स एंड मेजर्स है ये किस लिस्ट में आता है Should, हमारे लिस्ट है ना यूनियन लिस्ट देन दिस इज कॉन्ट लिस्ट स्टेट लिस्ट तो वेट्स एंड मेजर किस लिस्ट में आता है टेल जागृति मैस्कट शेल बी शोन अलोंग अलॉन्ग दाइन जागो ग्राहक जागो इन ऑल इट्स मीडिया कैंपेन तो नाम क्या है जागृति देन एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है ग्रे वॉटर ग्रे वाटर क्या होता है जैसे कि हमारा कुछ पानी वेस्टेज है वेस्टे, वेस्ट वेस्ट वाटर है फ्रॉम लाइक बाथ शॉवर हैंड बेसिन वॉशिंग मशीन डिश वॉशर किचन सिंक तो ये भी वेस्ट वाटर है बट इस वेस्ट वाटर को हम रिकवर कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन सो ग्रे वाटर इज़ डिफाइंड एज द वेस्ट वाटर दैट इंक्लूड्स वाटर फ्रॉम बाथ शॉवर बेसिन वॉशिंग मशीन डिश वाटर डिश वॉशर किचन सिंक्स एक्सेट्रा बट इसमें टॉयलेट वाला वाटर इंक्लूड नहीं होता है तो जो ग्रे वाटर रिसाइकलिंग है तो जो वाटर शॉर्टेज है वो यहाँ से बहुत हद तक फुलफिल हो सकता है इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं इट कैन प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म टू द एन्मेंट कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर रिलायबल वाटर सोर्सेज आर एज अनलाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ग्रे वाटर के लिए आप अनप्रडिक्टेबल भी नहीं हो जैसे रेन तो तभी होगा जब बारिश का सीजन है मॉनसून एट्सट्रा बट ग्रे वाटर तो लाइक बारह महीने हैं तो हम इस वाटर की रिसाइकलिंग से वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं हाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस कॉन्टेंट वेन यूज इन इरीगेशन कैन मेक अ गुड न्यूट्रीएंट और फर्टिलाइजर सोर्स एज वेल तो क्या होता है कि कई बार जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा अगर आपने दिस फर्टिलाइजर यूज किया है तो वो भी वॉश्ड अवे हो जाता है वॉश्ड अवे पानी के साथ बहके जाता है और वाटर बॉडीज में जाता है और वहां पर प्लैंगटॉन ग्रोथ हो रहा है या फिर इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है सो दैट इज़ वाई ये भी कहा जाता है जुडिशियल यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज अ प्रायोरिटी तो यहाँ जो वर्ड है वो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट सी ग्रे वाटर के ये सारे सोर्सेज हैं इसको आप ट्रीटमेंट के थ्रू रिसाइकल करने की कोशिश करो तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा सो द वर्ड इज द की वर्ड इज ग्रे वाटर मैस्केट इज जागृति और यहां पर है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ये बारह डिसीजेस वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल होती है सो दिस न्यूज़ बाइट्स नंबर नाउ लेट अस तो टूडे सेवेंटीन फिफ्टींथ का आज हम डिस्कशन करते हैं दीज आर योर सबमिशंस इसको सॉर्ट करते हैं बाय ओल्डेस्ट सी सबमिट करना बहुत आसान है अच्छे से प्रश्न पढ़ना है प्रश्न की सारी अंडरस्टैंडिंग कलेक्ट करना है उन अंडरस्टैंडिंग को अपने शब्दों में लिखना है पीअर जो है इतनी अच्छी कॉपीज है उससे भी आप क्लूज ले सकते हो और एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करो विद इन द सिलेबस उसका एक फोटो क्लिक करो एंड अपलोड इट ऑन दिस वेबसाइट ओके यहाँ भी जॉइन द डिस्कशन में जाओ लॉग इन करो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन से गूगल देन ज्वाइन द डिस्कशन एंड अपलोड योर आंसर कॉपी ओके आई एल रिव्यू ऑल द कॉपीज यहाँ पे सबमिशन आ रहे हैं ओके okay? सी जैसे विश्वजीत ने लिखा दो सवाल थे यहाँ पे दो सवाल थे डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वन इन हायर जुडिशरी डायवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस एंश्योर कराए और पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव किस एक्सटेंट तक आपका ये है आपका व्यू क्या है ओके सो लेट अस लुक एट योर सबमिशन सी थर्टी सबमिशन आई एम सो हैप्पी इसी तरीके से अच्छे से आंसर्स लिखने ये जो चीज है ये ही एक्चुअल में काम आएगी हम बहुत पढ़ाई करते हैं वो कुछ काम नहीं आता है जितना लिखते हैं वो ज्यादा काम आता है ओके okay? और इन सब को संभाल के भी रखना है जैसे विश्वजीत की कॉपी देखो स्पाइरल कर रखा है तो ये कॉपी कभी घूमेगी नहीं आपके पास हमेशा ये नोट्स रहेंगे इन नोट्स को आप फिर रिवाइज भी करना एनरिच भी करना साइड में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखना तो एक बहुत अच्छे कंसोलिडेट आपके नोट्स भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रहे हैं ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल ये कॉपी अपने किसी भी एल्डर को दिखाओ पेरेंट्स को दिखाओ सीनियर्स को दिखाओ जो इस एग्जाम के बारे में जानते हैं एंड उनका व्यू पॉइंट देखो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं एवरीबडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट यू अलॉट दिस इज द रियल स्टडी दिस इज द रियल स्टडी ओके सो डू इट अब सी तो देखो कितने अच्छे से लिखा है अब कॉपी देखो सो so सिस्टेमेटिक इसको पॉइंट्स में लिख दो पैराग्राफ ये सारे सी तो यही फ्लो चाहिए हमें बहुत ज्यादा हाईफाई चीजें भी नहीं लिखनी होती है जो लिखा है उसको आसान शब्दों में अपना मैसेज डिलीवर करो ये प्रायोरिटी होना चाहिए कीप थिंग्स सिंपल ओके सी पहला पैराग्राफ आया फिर सिग्निफिकेंस बताया भूमिका बनाई फिर इसके बाद एस डी जी यहाँ अंडरलाइन भी करो वन टू थ्री बताया वेरी गुड डिजायरेबिलिटी बताया वेल well डन इसको पोर्ट्रेट बोर्ड में अपलोड करो रोटेट करके ओके okay? फिर इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है और फिर कोलेजियम सिस्टम के कुछ केसेस भी बताए वेरी गुड सेकेंड जो कॉपी बताया यहाँ पे योर व्यू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और नॉट अब इसमें आप अपना ओपिनियन बता सकते थे इसको हमने ब्रेन स्टॉमिंग भी किया है मेन सेशन में तो हैव अ लुक अगेन वेरी गुड आंसर ठाकुर यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल अब इस कॉपी को देखो क्लियर इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं अंडरलाइनिंग है पैराग्राफ है इस तरीके से डायग्राम्स भी बना रहे हैं वेरी गुड राज दिस इज अगेन सो गुड ऐसे एरो के बजाय पॉइंट्स लिखो वन टू थ्री फोर लाइक दैट दिस ब्रैकेट इज गुड फेंटेस्टिक दिस इज अ वेरी गुड कॉपी सेकेंड कॉपी आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है और बहुत प्रिसाइज है एंड यू आर गुड विद दिस ओके कम शब्दों में अपने ज्यादा बातें अच्छे से बताइए तो इस स्ट्रेंथ को और डेवलप करो सी दिस प्रेजेंटेशन में इस तरीके से करना है और मार्जिन के इधर नहीं लिखना चाहिए कुछ भी विद इन द मार्जिन शिवानी योर हैंड राइटिंग इज सो गुड सी रीजंस ये कितना अच्छा चार्ट है जब भी लिखते हैं तो हमेशा वो स्ट्रेट होना चाहिए वो कभी भी ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए राइटिंग राइटिंग शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन देन डिजायरेबिलिटी पॉइंट्स लिखो वेरी गुड फेंटेस्टिक आंसर पार्लियामेंट का सेकेंड आंसर भी बताया वेरी गुड सारे डिफरेंट कीज मैकेनिज्म टूल्स जो हमारी लाइव स्ट्रीम है ना उसके यूट्यूब कॉमेंट्स जो होते हैं लाइव रिप्ले होता है लाइव रिप्ले उसको इनेबल करके सारे कमेंट्स भी पढ़ा करो उसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उनको कंसोलिडेट करो ओके कमेंट्स गोल्ड है उस कमेंट्स को मिस मत करना जो लाइव रिप्ले क्लासेस में ओके okay? सी विशाल अगेन फैंटेस्टिक वर्ड्स वर्क सी कितने अच्छे से स्टार्टिंग से जज साहब की बात से किया वन टू थ्री पॉइंट तो सी फ्लो स्ट्रक्चरिंग इज रियली गुड कार्ल मार्क्स का भी है वे फॉरवर्ड फैंटेस्टिक आप बहुत अच्छा कर रहे हो योर राइटिंग एबिलिटीज आर रियली गुड अच्छा करने वाले हो अभी आप एग्जाम में ओके सी कॉन्फिडेंट रो एक ऑप्शनल अपना देखते चलो साथ में दैट्स ऑल ओके पार्लियामेंटेरियन दिस इज रियली रियली गुड वेरी गुड आयरन पुनीत दिस इज अगेन गुड पुट इट लाइक ऐसे रोटेट करके अपलोड करो इसे ओके दिस इज गुड सी लाइक दिस ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन वेरी गुड कितना सिंपल से हमें ऐसे लिखना है फोटो खींचना है अपलोड करना है ओके okay? और रोज लिखना है मार्जिन बनाना है और इम्प्रूव करना है काइजन लगाओ यहाँ पे ओके सी दिस इज अगेन रियली रियली गुड नंदनी दिस इज अगेन गुड स्टेटमेंट पॉइंट वन टू थ्री फोर फैंटेस्टिक मुस्कान ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया दिस इज गुड वेरी नाइस हैंड राइटिंग इज गुड पॉइंट वाइज दिस इज़ गुड इम्पॉर्टेंस ओके सो एक फ्लो स्ट्रक्चर डेटा और कॉन्टेक्स्ट सिलेबस मस्ट होना चाहिए देन सी प्रेजिडेंट साहब के स्टेटमेंट से स्टार्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है मैकेनिज्म और पियर लर्निंग भी करना है सब एक दूसरे की कॉपी भी देखा करो कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ नजर आएंगे रत्ना प्रिया क्लियर इम्प्रूवमेंट सी कितना आज नीट एंड क्लीन वर्क है डायग्राम्स भी हैं यहाँ पर और हमें मार्जिन बना के विदिन मार्जिन लिखा है फेंटेस्टिक वेरी गुड यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक इसको मिस नहीं करना बस कॉन्टिन्यू करो बहुत अच्छा रिजल्ट आगे आपका वेट कर रहे हैं संधु दिस इज अगेन वेरी गुड सी नीट एंड क्लीन पॉइंट्स भी अच्छे हैं दिस इज ऑल्सो गुड वेरी गुड जितना पढ़ोगे कॉन्टेंट उतना ही एनरिच होगा आपका रत्ना प्रिया एक्सिलेंट वेरी गुड अमित वेरी गुड एक लाइन मार्जिन ड्रॉ करो यहाँ पे अंडरलाइनिंग भी है वन टू थ्री फोर फाइव करो डिजायरेबिलिटी हेडिंग सब हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग कॉन्क्लूजन स्ट्रक्चर सी दिस इज गुड आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है और कंटेंट भी बहुत अच्छा है पैराग्राफ छोटे बनाओ दिस इज गुड और मार्जिन ड्रॉ करो इससे थोड़ा और नीट एंड क्लीन नजर आएगा कॉपी ओके वेरी गुड सी यहाँ पे वन टू थ्री फोर लिखा ये पार्ट बहुत अच्छा है सजेशन टू इम्प्रूव फैंटेस्टिंग सृष्टि क्लियर इम्प्रूवमेंट सी आज का कितने अच्छे से है सारा कॉपी सी टाइट ये बाहर मार्जिन के नहीं जाना है दिस इज गुड सी वेरी वेरी स्पेशियस वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी ईजी टू रीड दिस इज योर स्ट्रेंथ और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में उसको कॉन्टिन्यू करो सृष्टि वंस अगेन दिस इज गुड तो सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है मुश्किल बस यही है लिखना आपने लिखना चालू कर दिया आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक्स हैं कहाँ मिस्टेक्स नहीं है किस चीज को और बेटर करें दिस इज वेरी 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 इजी ओके द डिफिकल्ट पार्ट इज राइट देन एथिक्स सृष्टि ने एथिक्स में बताया दलाई लामा जी वेरी गुड ये कल हमने देखा था पीस होना क्यों जरूरी है वेरी गुड देन तो हमें पीस रहना चाहिए इनर पीस इज रिक्वायर्ड प्रिंसी वेरी गुड दिस इज जेंडर दिस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है पेट्रियार की सोशोलॉजी कॉन्क्लूजन वेरी नाइस सतेंद्र हिंदी इज वेरी गुड हिंदी बहुत अच्छी भाषा है कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिख पाते हो हिंदी में तो दिस इज रियली गुड वेरी गुड देन मंताशा वंस अगेन वेरी गुड वर्क दिस इज रियली गुड सो सी दिस इज सो इजी दिस इज सो इजी और देर इज नॉट अ फिक्सड टैम्पलेट अपना ब्रेन यूज करो अपना टैलेंट दिखाओ बेस्ट टू बेस्ट आंसर प्रोड्यूस करो यहाँ पे वेरी गुड धमन सी कितना अच्छा कॉपी है दिस इज रियली गुड कंटेंट है प्रेजेंटेशन है स्टाइल है एंड डिसिप्लिन ऑसम वेरी गुड यू आर एब्सोल्यूटली ऑन द राइट ट्रैक इसको मेंटेन करो सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स सुमन वेरी नाइस आंसर सी अब पेन भी सुमन का काफ़ी अच्छा है थोड़ा बोल्ड इससे राइटिंग आ रही है ओके लर्न दिस थिंग ये भी वर्क करता है एट टाइम्स दिस इज गुड सी द राइटिंग सो नीट एंड क्लीन पॉइंट्स तो ऑब्वियसली अच्छे हैं और ये और अच्छे होंगे प्रजेंटेशन भी बहुत अच्छा है प्रिंसी दिस इज अगेन वेरी वेरी नाइस सी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू करो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं सुमन पार्लियामेंट्री कंट्रोल कॉमिटी बहुत ज्यादा इसमें बताने का नहीं होता है सटल चीज़ें होती है ताकि आपकी ओरिजिनेलिटी भी मेंटेन रहे सिलेबस के विद इन रहो और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाने यू आर एब्सुलटली ऑन द राइट ट्रैक सतेंद्र दिस इज अगेन रियली रियली गुड सी पार्टिसिपेट आरती वेरी गुड सी चीफ जस्टिस है फिर यहाँ पे आपने डायग्राम बताया ज्यादा से ज्यादा पढ़ो जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही आपका होगा, आएगा आंसर राइटिंग पे ओके फैंटेस्टिक अब ये कुछ कमेंट्स देखते हैं यहाँ पे सो दिस इज दिस इज 16th ऑफ जुलाई गुड इवनिंग राम नरेश सुंदर सुंदर इज डूइंग रियली वेल सारे रीजन देखो शॉर्ट प्रसाइस दिया रिविजन भी हो गया पार्टीशन ऑफ बेंगाल पैंगस पोला बियर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन, ये सब रिवाइज हो गया आपका स्टेट ए बी सी डी और कैसे आज की डेट के 28 राज्य और 28 स्टेट्स बने सौम्याटिक देन दिस इज सीमा वेरी गुड सी आंसर्स दिए हैं राज सुंदर हैकाथॉन क्विज आंसर कीर्ति सो सिस्टमैटिक एंड वेरी गुड दिस इज रेली गुड सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर बैंगल पार्टीशन एंड हैकाथॉन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड राम नरेश रिज्यूम आंसर राइटिंग दिस इज एम एस आर वेरी गुड वुल्फ थैंक यू निकुंज वेरी गुड हार्बर वेव हार्बर वेव सु नामी पैंगविन वेरी गुड अमित देन समीर अपूरव गुड इवनिंग राज सी वेरी नाइस वेरी गुड एंड नंदनी द रीज़न आई एम गोइंग थ्रू ऑल योर लाइक कॉमेंट्स इज दैट बिकॉज पहले मैं इन कॉमेंट्स को देख नहीं पा रहा था रिप्लाई नहीं कर पा रहा था इंडिविजुअली बट एटलीस्ट आई वॉन्ट फ्रॉम माई एंड कि मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ और आप जो लिख रहे हो जो सजेशंस भी दे रहे हो और आप जो इतना अच्छा वर्क कर रहे हो उसको भी वी ऑल अप्रिशिएट अलॉट आपके आंसर्स जो है ना सम ऑफ यू वर सो रेगुलर इतने क्रिस्प पॉइंट्स यहाँ बना के लिखते हैं आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स दे आर रियली थैंकफुल टू यू कि इतना अच्छा आप वहाँ पे कॉन्टेंट आंसर शेयर भी कर रहे हो सो कीप डूइंग द गुड वर्क ओके नाउ लेटस कंटिन्यू विद दिस दिंदू न्यूज पेपर द हिंदू न्यूज पेपर ओके जो फर्स्ट है वो है ओलंपियाड मोड चेन्नई का नेपियर ब्रिज है चेस बोर्ड की तरफ पेंट किया है फोर्टी फोर्थ फाइड चेस ओलंपियाड अभी ममलापुरम के पास होने वाला है दो सवाल है इसमें एक तो इसका फुल फॉर्म बताओ चेस का चेस का फुल फॉर्म बताओ और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर मतलब क्या होता है ग्रैंड मास्टर अपना एक स्टूडेंट है वो यहाँ पे ही इज़ वेरी क्लोज टू दिस ओके सो उसने अपने इसमें फॉर्म में लिखा था उसके साथ वन ऑन वन टू वन मीटिंग में भी टॉक्ड अबाउट दिस की रेटेड प्लेयर है वो सो so, दिस क्या मतलब होता है फाइड चेस और अभी ममलापुरम में ये जो हो रहा है इस सिटी का क्या स्पेशलिटी है मिस्टर एलेवन जिनपिंग के अलावा क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे ममलापुरम ओके सो दिस इज़ गेम रेडी ओलंपियाड मोड आर्मी ऑन स्टैंड बाय इन भद्र चालम स्वलन गोदावरी है साइंस ऑफ रेसीडिंग दिख रहे हैं बट बहुत पानी आ रहा See, 68, 15 है तो गार्ड्स अप हैं, इंडियन आर्मी भी है हंड्रेड एंड वन पर्सनल वहाँ पे लगा रखे हैं हमने और वो स्टैंड बाय पर है इमरजेंसी आते से ही वो एक्टिव हो जाएंगे सो दिस इज प्लानिंग एक होता है मतलब दुर्घटना वाला क्षेत्र है डिजास्टर वाला क्षेत्र है और एक होता है फिर डिजास्टर होना तो वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और प्रिपरेशन का नंबर वन रूल होता है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होप फॉर द बेस्ट ओके सो ये सीन है यहां पर और ओलम्पियाड मोड असम में भी ऐसा ही फ्लड्स का बड़ा डिफिकल्टी हो रहा है आप जगदीप धनखर जी हैं आप वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है फ्रॉम एनडीए पार्टी तो दिस इज द लेटेस्ट सी अभी वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव होंगे देन दिस इज फ्री एजुकेशन हेल्थ केयर बुलडोजर एंड देन दिस इज पेज नंबर थ्री एंड दिस इज एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे में अब एक नई टाइप की डिफिकल्टी आ जाती है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कई बार हम स्पीड लिमिट को फॉलो भी नहीं करते और फिर होते हैं एक्सीडेंट्स फैटल मिसहेप्स सो दिस इज अगेन वन थिंग स्पीड लिमिट और जो रोड ट्रैफिक के लॉज होते हैं उनको फॉलो करना हमें मस्ट होना चाहिए ये बेसिक एटिकट्स होते हैं बिकॉज इट इज नॉट अबाउट योर लाइफ इट इज ऑल्सो अबाउट द लाइफ ऑफ अदर्स जिनके साथ आप रोड शेयर कर रहे हो मोस्ट ऑफ द केसेज में आप देखना आपकी कोई गलती नहीं है इनोसेंट है बट द पर्सन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड वो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी अदर पीपल पे द प्राइस सो इट इज़ अ कलेक्टिव थिंग एवरीबडी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स असम फेज द वर्स्ट फ्लड येट नाइन मिलियन पीपल अफेक्टेड ओवरऑल फ्लड से क्या होता है ऐसे जमीन सड़क ये भी धंस जाती है तो दिस इज फ्लड ह्यूमन लाइफ लॉस तो होता ही है साथ ही साथ इकोनॉमिक लॉसेज भी सिवियर होते हैं फ्लड के कंडीशन में सो दिस इज अ डिजास्टर आर्मी स्टैंड बाय पे है इन भद्र चालम बैक टू बेसिक्स यहाँ पे क्ले मॉडलिंग हो रहा है क्ले मॉडलिंग वेमेन अरेंजेज हर स्टॉक ऑफ क्ले पॉट्स फॉर सेल इन एन एट एन एक्सपो इन कोट्टायम ऑन सैटरडे तो ये जो क्ले पॉट्स है बैक टू बेसिक्स है हमें इन सबको एनकरेज भी करना चाहिए समर सीजन में है तो आपको इस टाइप के कुछ मटके घड़े सुराही वगैरह मिल रहा है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए बैक टू बेसिक्स दैन दिस इज़ प्रस्टीजियस जे सी डैनियल अवार्ड फॉर फिल्म मेकर के पी कुमारम दैन दिस इज़ पेज नंबर सिक्स यहाँ न्यूज़ है कोविड कब्ज ऑफ बट सेंसर स्टिल ऑन स्लो बर्नर इस वर्ड का मीनिंग क्या है टिल स्लो बर्नर तो 2021 एवरी 10 ईयर पे डेकेडल सेंसस होता है अभी 2021 है 2011 में हुआ था बट बिकॉज ऑफ कोविड 19 एंड सम अदर रीजंस ये प्रोसेस डिले हो गई अभी 2021 का ऐसा लग रहा है 2023 तक ही हो पाएगा तो दिस इज दैट स्लो बर्नर पे है अब बिकॉज डिले हो रहा है तो हर जो चैलेंज होता है वो एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है तो हम इसमें कुछ चेंजेस भी ला रहे हैं कोविड नाइन्टीन से जो हमने लेसन सीखे उसके बेसिक रिगार्ड के पॉसिबल रिवैम्प हो सकता है एंटायर ऑपरेशन का डेटा गैप है मिसिंग डेकेड ऑफ पॉपुलेशन फिगर को करेक्टली एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है बिकॉज डेटा बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है अगर डेटा रॉन्ग है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी रॉन्ग होगा डेटा हॉलिस्टिक होना चाहिए डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए अब एक नया सॉफ्टवेयर है ई स्वरूप ई स्वरूप इसको डेवलप किया जा रहा है अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो डिटेल्स विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द सेंसस रजिस्टर डेथ और जो बर्थ का रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा जब वो 18 का होगा तो उसका नाम ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रजिस्टर में भी आ जाएगा तो कितना कन्वीनियंट हो गया कितना कन्वीनियंट हो गया हमको इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर कराने के लिए डिफिकल्टी नहीं होगी वरना अठारह हो जाते हैं बट नाम रजिस्टर नहीं होता है तो वो वोट भी नहीं डाल पाते तो एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आफ्टर डेथ द नेम विल बी डिलीटेड फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट इफ यू चेंज रेसिडेंस देर विल बी अ न्यू रजिस्ट्री नया एस एम एस मिलेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह जो भी हो रहा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने की कोशिश की जाएगी तो इससे क्या होगा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अब देखो न्यूज़पेपर की ब्यूटी क्या होती है आपने ये टैंपलेट पढ़ा है ना अब जहाँ मौका मिले इस टैंपलेट को यूज कर लो चाहे अपने डिबेट्स में यूज करो इंटरव्यू में यूज करो जीएस पेपर में यूज करो जहां मौका मिले यूज दिस ई स्वरूप एंड दिस कॉन्सेप्ट कि हम कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी से हमने केवल जब बर्थ है उसी को मॉनिटर कर लिया ऑटोमेटिक सिस्टम रिकॉर्ड में डाल दिया अब बिकॉज बर्थ आ गया है तो ऑटोमेटिकली अठारह भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली डेथ भी आ जाएगा तो इलेक्टोरल रोल रिलेटेड लाइक थिंग एक सेंट्रलाइज हो जाएगा एटलीस्ट एटीन तो ईजिली हम मॉनिटर कर पाएंगे सो दिस विल हेल्प इन हेल्प इन रिवेम्पिंग रिफाइनिंग और जो एरर्स आते हैं इलेक्टोरल रजिस्टर में उसको करेक्ट करने में हेल्प होगा एक्सेलेंट आइडिया और बाकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो इसमें चेंजेस करना है एटसेट्रा बहुत ईजी हो जाएगा कन्वीनियंट हो जाएगा एक डेटा बेस मेंटेन करेंगे रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ का नेशनल लेवल पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरह इलेक्टोरल रजिस्टर आधार राशन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस डेटा सब यहाँ पे स्मूथली अपडेटेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो पाएगा फैंटेस्टिक मूव सो दिस इज कोविड कर्ब्स बट सेंसिस स्टिल ऑन स्लो बर्नर दिस इज नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर है इन नोमैंस लैंड आफ्टर अ बॉर्डर क्रॉसिंग दिस इज अबाउट एल ओ सी एल ए सी इज चाइना एल ओ सी इज़ पाकिस्तान अपोजिशन डिमांड्स डिबेट ऑन अग्निपथ स्कीम एंड भूटान चाइना टॉक्स वोट फोकस ऑन डोकला अब देखो भूटान जो है इंडिया के साथ बड़े क्लोज टाइज हैं बहुत बहुत डियर फ्रेंड है और बहुत क्लोज टाइज हैं हमारे भूटान के साथ भूटान एज सच जो है चाइना के साथ पहले सेपरेट टॉक्स एम्बेसी वगैरह नहीं था बट आफ्टर सम टाइम पिछले कुछ टाइम पे ही ये स्टार्ट हुआ है अब एक एरिया आता है डोकलाम डोकलाम का है ये हमारा सिक्किम है ये चाइना है ये ट्राई जंक्शन हो रहा है देखो यहाँ नाथुला है ये डोकला है ये जो ये जो पेनन्सुलर दिख रहा है पेनन्सुलर मतलब ट्राई जंक्शन दिख रहा है वी शुड नॉट कॉल इट पेनंसुलर वाटर नहीं है बट ये जो ट्राई जंक्शन दिख रहा है यहाँ पर इधर इंडिया है इधर भूटान है और यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है चाइना अपनी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में बनाना चाहता है ताकि वो इस एरिया को बहुत इजीली टारगेट कर पाए इवन एक साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चाइना ने भूटान को ऑफर दिया कि आप दूसरा एरिया ले लो और ये एरिया हमें दे दो समथिंग लाइक दैट तो बिकॉज चाइना वॉन्ट्स प्रेजेंस इन दिस एरिया और यहीं पर डोकलाम में यूनिलिटरली चाइना ने इस बॉर्डर को भूटान बॉर्डर को भूटान चाइना बॉर्डर को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश की गई थी तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी सी ये है डोकलाम प्लेटू ये है डोकलाम प्लेटू तो डोकलाम इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड इंडिया एंड चाइना दिस इज चाइना एंड भूटान डोकलाम प्लेटू इज हियर तो लेट अस सी यहाँ एक लाइक कॉज ऑफ वरी तो है दैट इज वाई हमने यहाँ पे एयरपोर्ट्स एयरफोर्स के यहाँ पर भी है यहाँ पर कौन सा एक स्क्वाड्रन डिप्लॉयड है थर्टी एम के आई की डिप्लॉयड है या फिर रफेल की डिप्लॉयड है टेल हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में सो so, यहाँ पर बेसिस बनाना जरूरी है बॉर्डर सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ भूटान ने इंश्योर करा है कि चाइना पे हम डोकलाम इशू पे बात नहीं करेंगे देन दिस इज नेक्स्ट वन ये है पिट वाइपर वाइपर इज अ पॉइजनस स्नेक दो टाइप के स्नेक्स होते हैं एक होता है पॉइजनस और एक होता है वेनमस दोनों में डिफरेंस क्या होता है टेल पॉइजन और वेनमस स्नेक्स में क्या डिफरेंस होता है वैसे ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं उनमें जहर नहीं होता है वो नॉन पॉइजनस होते हैं बी एस्पेशली चैरी ऑफ ग्रीन पिट वाइपर बट दिस इज़ अ वेरी पॉइजनस स्नेक तो इसका एंटी वेनम कई बार टाइम पे नहीं बन पाता है प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो स्नेक बाइट से रिलेटेड डेथ बहुत कॉमन हो जाती है ग्रीन पिट वाइपर मे नॉट बी मोर लीथल देन दिस रसेल वाइपर या फिर सॉ स्केल्ड वाइपर या फिर कोबरा या फिर कॉमन करेत बट ये भी पॉइजनस है बिकॉज इसका पॉली वैलेंट एंटी वैनम होता है वैनम जो होता है ना ये डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है कुछ स्नेक्स का वैनम होता है वो हमें पैरालाइज कर देता है कुछ स्नेक्स का वैनम ऐसा होता है जो हमारे न्यूरोन एक्टिविटीज़ को किल कर देता है कुछ वैनम ऐसा होता है कि वो हमारे जैसे हार्ट फेलियर हो जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स इम्पैक्ट होते हैं ये पॉलीवेलेंट एंटी वैनम इसके लिए डेवलप करना इस पर्टिकुलर स्नेक के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ओके okay? तो यहाँ पर ये लिखा है कि स्नेक बाइट एक बड़ा कॉमन केस होता है जैसे इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है वेनम्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं यहाँ पे वेनम स्पीशीज़ को हम डिस्कस करते हैं जैसे कुछ न्यूरोटॉक्सेंस होते हैं न्यूरोटॉक्संस वो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं बॉडी के साइटॉक्सिन किल्स द सेल्स इन बॉडी तो एंटीवेनम प्रिपेयर करना फॉर्मुलेट करना इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट ताकि स्नैक बाइट्स से रिलेटेड जो डेथ्स हैं उसको हम अवॉइड कर पाए एफिशेंसी होनी चाहिए वहाँ पर तो मोस्ट स्नैक बाइट्स भी अब देखो कब होते हैं जून से सेप्टेम्बर इस पीरियड में इस पीरियड में बिकॉज बारिश का टाइम है बारिश का टाइम है तो रेप्टाइल स्नैक्स जो बोरों अंदर ऐसे रहते हैं वो बाहर आते हैं ज़्यादा इंटरैक्शन होता है उनका ज़्यादा से ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर उससे स्नेक बाइट के केसेस भी बढ़ते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है दिस इज अगेन अ बर्डन स्नेक बाइट स्नेक बाइट तो जो जुलाई 16 है वर्ल्ड स्नेक डे है अवेयरनेस करें अबाउट स्नेक ओके सो स्नेक बाइट से रिलेटेड ये डेटा है मिस्टर शी मीट्स पी एल ए बॉर्डर ट्रूप सिंह झिजियांग एंड डिड अटमोस्ट फॉर बैंकअप श्रीलंका सेज गोटाबाया इसराइल गाजा बाइडन एंड रशिया एंड दिस सी यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है ये है जो बाइडन और ये है मोहम्मद बिन सलमान ये क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के अब सी जो बाइडन का स्टैंड रहा ड्यूरिंग लाइक प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन था तब भी वो ये था बाइडन का कि एक, एक वहाँ पे दिस एक वहाँ पे दिस न्यूज़ एंड दिस, 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 न्यूज दिस जर्नलिस्ट थे मिस्टर खाशोगी तो मिस्टर बाइडन का ये स्टैंड था कि खाशोगी मर्डर में डायरेक्टली दिस क्राउन जो सऊदी का है वो इन्वॉल्व है ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि वहाँ पे पनिशमेंट होना चाहिए समथिंग लाइक दैट अब तो बाइडन का जो स्टैंड था सऊदी के लिए वो थोड़ा बेटर था सिंस द बिगनिंग बट अब सरकम ऐसे हो रहे हैं कि बाइडन को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज वर्ल्ड में तीन चीज़ें अभी हुई पहला तो जैसे अब्राहम अकॉर्ड हुआ अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली यहाँ की जियो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ ईरान है इधर सऊदी लेड पूरा अरेबियन पैनल्सला है सऊदी लेड मतलब सऊदी इज़ कंसिडर्ड एज अ डी फैक्टो लीडर तो इन इस्लामिक कंट्रीज़ का बिकॉज होली प्लेस यहाँ पर है प्लस यहाँ पे हमने देखा था फैक्शंस हो जाते हैं शिया एंड सुन्नी सो so, सुन्नी इज़ सऊदी ग्रुप एंड शिया इज़ ईरान ग्रुप तो क्लैश होते हैं तो हियर देर इज़ ईरान यहाँ ईरान है या सऊदी लेड ब्लॉक है और एक है इसराइल तो इसराइल की इधर भी पहले नहीं बनती थी ना तो सऊदी के साथ ना ईरान के साथ बिकॉज इसराइली लाइक जोश तो अब क्या हो रहा है इसराइली और सऊदी सऊदी लेड ब्लॉक इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है और इरान अब इनका कॉमन एनिमी बनता जा रहा है कॉमन एनिमी बनता जा रहा है तो ये डेवलपमेंट है एक हुआ अब्राहम अकॉर्ड मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे अब्राहम अकॉर्ड ट्रम्प के टाइम पे हुआ था और इसमें यह था कि अग्रीमेंट हुआ इसराइल एंड फ़ोर अरब कंट्रीज़ का ये दोनों दोस्त बनते जा रहे हैं बहुत अब इसराइल और अरब कंट्रीज़ में डिफरेंसेज नहीं रह रहे हैं अभी हमने देखा था उनको एयर स्पेस यूज़ करने के लिए भी मिला था इसराइल फ़ाइटर प्लेन्स को एम्बेसीज़ ओपन हो रही है तो इसराइल एंड फोर अरब कंट्रीज़ हैं यूएई बहरीन मोरक्को और सूडान इन्होंने टाइज़ नॉर्मलाइज़ कर दिए ऑल दो यहाँ पे सऊदी नहीं है बट इनडायरेक्टली ये सऊदी का इनिशिएटिव है नॉर्मलाइज टाइज अंडर द एजिस ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट हो गया तो पहले तीन आपस में नहीं बनती थी इजराइल सऊदी और ईरान अब इसराइल और सऊदी का दोस्ती बढ़ रहा है और ईरान आइसोलेट होता जा रहा है और ईरान धमकी दे रहा है कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे तो अगेन सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है जियो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर प्लस रशियन यूक्रेन वॉर भी है रशिया का दिस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स ईरान सो देर आर कॉम्प्लेक्सिटीज तो पहला तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब इसमें क्या करेगा बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था ये रिपब्लिकन थे बाइडेन जो है ये डेमोक्रेटिक है रिपब्लिकन ट्रम्प नेक्स्ट यूएस इलेक्शन भी मोस्ट पॉसिबली वो वहां पे फाइट करेंगे सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ईरान फैक्टर आ जाता है ईरान फैक्टर अब बराक ओबामा बराक ओबामा की प्रसिडेंटशिप में जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे तो बराक ओबामा ने किया था दिस न्यूक्लियर डील विथ ईरान अब वो न्यूक्लियर डील ट्रंप ने कैंसिल कर दिया अब वापस वो न्यूक्लियर डील कैसे करें न्यूक्लियर डील इन द सेंस ईरान को ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि आप अपना न्यूक्लियर एम्बिशन का प्लान ड्रॉप करो इन रिटर्न जो आप पे सेंक्शन लगाए गए हैं वो हम हटा देंगे तो पहला हो गया अब्राहम अकॉर्ड दूसरा हो गया ईरान फैक्टर तीसरा यहाँ पे पॉइंट आता है यूक्रेन वॉर तो रशिया ने जैसे इन्वेड किया यूक्रेन को वेस्टर्न पोश है टू तो पनिश प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द एग्रेशन इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट डिसरप्ट हो गया लिविंग क्राइसिस लॉजिस्टिक्स क्राइसिस सप्लाई चेन डिफिकल्टी आ रहा है कमोडिटीज का डिलीवरी नहीं हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस पूरे बैकड्रॉप में ट्रंप के टाइम पे जो सऊदी से यूएस पुल आउट कर रहा था अब वापस क्या होता है वहां पे सी तो दिस इज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्रेसिडेंट जो बाइडन तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग डेवलपमेंट बाइडन यू टर्न ऑन सऊदी अरेबिया अब सऊदी अरेबिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है सऊदी अरेबिया एक तो इकोनॉमिक टाइज है सऊदी अरेबिया यू ये सब फ्रेंडली कंट्रीज है इंडिया के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब यू भी गए इनके पास बहुत पैसा है सोवर गोल्ड सोवर फंड्स और ये बहुत इंटरेस्टेड है इस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए भी बिकॉज दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी प्लस ऑयल डिपेंडेंसी तो है ही सो दैट इज़ वाई ये पूरा सऊदी ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बट ईरान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस इज़राइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस तो इंडिया ऐसा स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है कि वी हैव गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर ऑल राइट सो कोविड नाइन्टीन मोर रिट्रैक्शन इन जर्नल्स देन ट्रीटमेंट अभी एक नया स्टडी है कोविड नाइन्टीन का दिस इज लर्निंग फिजिक्स तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप माइंड बनाया है ये ए जो है इसको अभी तीन महीने का जो ओल्ड बेबी है जितना फिजिक्स जानता है उतना आज की डेट में जानता है इसको हम और डेटा फीड करेंगे और सारे सरकम होंगे और फिर ये और रिफाइन होगा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स तो ये बात है कि जैसे रूट से प्लांट की ग्रो हो रही है तो जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो निबल करते हैं निबल मतलब उसको रूट्स को जो नई रूट्स आ रही है उसको बाइट करके च्यू कर लिया तो उससे एक्चुअली हेल्प होता है उससे स्टिमुलेट होता है रूट का रीग्रोथ और तेजी से रूट ग्रोथ होती है हेल्पिंग हैंड्स तो सी प्लांट्स एंड जो इवन एनिमल्स भी हैं ये बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए भी जैसे एक वर्ड होता है पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है टेल पॉलीनेशन क्या होता है और पॉलीनेशन में एनिमल्स का क्या रोल है ये भी बताइए पॉलीनेशन ये क्वांटम प्रूफ है अब क्या होगा क्रिप्टोग्राफिक कीज होती है जो बहुत मुश्किल से हम क्रैक कर पाते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि वो उसको भी क्रैक कर पाएगी दो वर्ड होते हैं एक होता है एनक्रिप्शन एक होता है डिक्रिप्शन इन दोनों के मीनिंग बताइए एनक्रिप्टेड है अक्सर हम देखते हैं ना एनक्रिप्टेड है दिस मैसेजेस अभी व्हाट्सअप कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ था एनक्रिप्शन सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन This is deadly quake. Researchers ने देखा अभी जो अर्थ क्वैक आया था अफगानिस्तान बॉर्डर में देन यहां पर जो बात है नेक्स्ट वो है वेस्ट वाटर सर्वेलेंस फॉर कोविड नाइनटीन रिव्यू डायनाशन एक्चुअली क्या होता है जब कोविड इंफेक्शन होता है तो बॉडी वायरस को शेड भी करती है तो जो वेस्ट वॉटर है या जो सीवर का वाटर है उसमें भी हमें कोविड नाइन्टीन के ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी हमें सोसाइटी या कम्युनिटी में देखना है कि कितना वेस्टेज है कितना प्रेजेंस है वायरस का तो हम वहाँ का जो वेस्ट वाटर है वेस्टेज है उस पर एक टेस्ट कर लें वहाँ वायरल लोड जितना आ रहा है तो हम उसको रिवर्स करके एक आइडिया ले सकते हैं कि कितना स्प्रेड हो रहा है कोविड नाइन्टीन या ऐसे कुछ वायरस का इंटलेक्चुअल ट्रॉय का हेल्प अंडरस्टैंड हेरिडिटी हेरिडिटी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें ट्रेड्स ट्रांसफ़र होती है से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तो दिस इज़ हेरिडिटी हेरिडिटी के लिए एक नाम बहुत फेमस है वो है मैंडल मैंडल्स लॉ तो यहाँ बस यही बात लिखा है कि जो वर्क था मैंडल का बताया कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें क्या चैलेंजेज एंड सरकमस्टांसिस हो सकते हैं मेंडल ने बात किया था इनहेरिटेंस का तीन लॉ थे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अ तो एक्चुअली बेबीज लाइक उसमें मदर के भी ट्रेड्स आते हैं उसमें फादर के भी ट्रेड्स आते हैं बेबीज में दोनों का ट्रेड्स आते हैं और फिर एक नया दिस बेबी एक नया प्रोडक्ट बना और फिर वो आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से फिर वो बेबी बड़ा होगा फिर वो नेक्स्ट जनरेशन लाएगा तो ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते जाते हैं दिस टाइप ऑफ थिंग थिंगस ओके सो दिस इज दैट बेल लॉ रिफॉर्म अब ये इंपॉर्टेंट है बेल लॉ बेल क्या होता है जमानत होता है एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस एक होता है बेलेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस मतलब उसमें बेल मिलने का आपका प्रोविजन है कोई गुनाह अगर आपसे हुआ है उसकी कंप्लेन गई तो आपको अरेस्ट किया बट उसमें बेल पॉसिबल है तो आप बेल का बॉन्ड भरो और यू पुलिस आपको रिलीज कर देगी पर आपको बेल बॉन्ड भरा है तो जब आपको कॉल किया जाएगा यू विल हैव टू अपीयर तो इसके फायदे क्या होते हैं जेल ओवर बर्डन नहीं होता पुलिस के पास बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता ओवर बर्डन नहीं होता सो बेल इज गुड अब बेल में यूके में एक लॉ चलता है यूनाइटेड किंगडम में बेल एक्ट 1976 है यहां बोला जाता है बेल एक जनरल राइट है हर हर कॉन्विक्ट को हर पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बेल का राइट है बिकॉज जब तक जुर्म सबूत जो जुर्म है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसको बोल नहीं सकते कि इसने कोई क्राइम किया है वो अंडर अंडर ट्रायल है अभी अभी तो अब इंडियन में भी देखो इतने सारे ट्रायल्स हैं केसेस उनके हुए नहीं अभी तक जुडिशरी ने डिसीजन नहीं लिया है और ये कितना बड़ा नंबर एक बर्डन भी बन जाता है तो दैट इज वाई यहाँ पर एक जनरल एज अ राइट की तरह माना जाता है बेल को द कोर्ट हैज गिव रीजन इन केस इफ विद्स और बेल कंडीशन तो बेल आसानी से मिल जाती है थोड़ा लीनियंट होता है यूके का लॉ इंडिया में क्या लॉज है इंडिया में जो लॉज है प्रेजेंट लॉ है वो ये है कि सीआरपीसी का प्रोविजन है एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है सेक्शन 436 में बेल एक राइट है बेलेबल ऑफेंस में पुलिस और कोर्ट बाउंड है टू रिलीज द अक्यूज फॉलोइंग द फर्निशिंग ऑफ अ बेल बॉन्ड तो जिसपे आरोप लगा है वो एक बेल बॉन्ड भरे और उसको छोड़ दिया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटी भी पॉसिबल है श्योरिटी मतलब कोई उसका लाइक like, जिम्मेदारी ले रहा है विद और विदाउट श्योरिटी ओके फॉर अ नो नॉन बेलेबल ऑफेंस अक्यूज क्लेम नहीं कर सकता है कि बेल एज अ राइट तो कुछ बहुत संगीन अपराध है तो उसके लिए आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते बेल वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा वो देता है आपको बेल या नहीं देता है सेक्शन फोर थ्री सेवन सेट्स आउट सरकम स्टेंसेस जिसमें कोर्ट बेल आपको दे सकता है फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस तो जब बेलेबल ऑफेंस है तब एज आ राइट आपके पास बेल है नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब आप एज आ राइट डिमांड नहीं कर सकते है. प्रोविजन मैंडेट करता है कोर्ट टू रिकनसिडर ग्रांटिंग बेल टू एन अक्यूज बिलो सिक्सटीन ईयर सम वन हुख और इज अ वन तो इन केसेज में बेल आपको ईजीली मिल जाता है अब स्ट्रेस ये दिया जा रहा है कि इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कुछ केसेस में तो बेल मिल जाता है कुछ केसेस में डिस्क्रिप्शन है तो बेल नहीं मिलता देर हैजू बी अर्टन प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो डिस्क्रिशन है इसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करें बेलेबल में तो बेल मिल रहा है नॉन बेलेबल में भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए ये जो लॉ है कई बार ड्रेकोडियन हो जाता है इसमें लाइक like, डिस्क्रिशन होता है तो स्पैरिंगली यूज होना चाहिए ये लाइक दैट बेल कंटिन्यूज टू बी रूल जेल एंड एक्सेप्शन टच स्टोन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी तो आप ये माना जाता है कि आप इनोसेंट हो जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं है जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो गया तब तक आप इनोसेंट हो यह हमारा हाईलाइट होता है अनवॉरेंटेड एट टाइम्स अरेस्ट होते हैं वॉयलेशन ऑफ फोर्टी है सेक्शन फोर्टी क्या बोलता है पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वॉरेंट सेक्शन फोर्टी ए डील्स विद द प्रोसीजर फॉर अपियरेंस बिफोर पुलिस जैसे विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है समथिंग लाइक दैट तो यहाँ एक क्लैरिटी होना चाहिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड और यूके का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सो दिस इज़ बेल लॉ रिफॉर्म सेकेंड जो लीड आर्टिकल है ये पहला था बेल सेकेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रही तो पॉपुलेशन इज नॉट बैड पॉपुलेशन एज सच बैड नहीं होती पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ होती है पॉपुलेशन बैड तब होती है जब वो स्किल्ड नहीं होती उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो वो एक बर्डन बन जाती है 2021 में फिफ्थ एडिशन हुआ इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इसने रिपोर्ट किया टी एफ आर टू हो गई है जबकि रिप्लेसमेंट रेट टू पॉइंट वन होती है मतलब पॉपुलेशन अब डिक्लाइन होगी पॉपुलेशन तो डिक्लाइन होगी दिस इज अ फैक्ट बट किस ग्रोथ से होगी किस रेट से डिक्लाइन होगी लाइक दैट और पीक कब आएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे वन पॉइंट सिक्स सेवन बिलियन हमारी दो हज़ार पचास तक आ जाएगी और ये पीक होगा 1.4 है 1.67 तक जाएंगे ये पीक होगा और फिर कम होने लग जाएगी बाय 2100 अगले 50 साल में ये 0.167 से 1.5 हो जाएगी और जो है लाइक पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा पॉपुलेशन अभी पीक आ रहा है फिर इसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा ऐसे ट्रेंड्स देखने को क्लियर कट मिल रहा है फिर लार्ज पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन इट्स अ गुड थिंग बट जॉब्स क्रिएट करो क्लाइमेट फ्रेंडली जॉब्स क्रिएट करो क्वान्टिटी और क्वालिटी के दिस इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का नहीं है उसको बढ़ाओ डाइनिंग फर्टिलिटी का मतलब है मैनी मोर विल डिमांड बेटर जॉब्स इन ट्रांश ट्रांजिशनिंग इकोनमी सो वी नीड टू वॉक ऑल दिस अब जैसे हमने ये पॉपुलेशन का एक बहुत अच्छे से देखा था प्रलिम्स के बैच में जॉइन 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 दैट बैच और ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर बहुत अच्छे से हो रही एक्चुअली वी आर वर्किंग इन लाइक एन इको सिस्टम सी कुछ चीज़ें होती है जो मैं टेलीग्राम क्विज़ के थ्रू कवर करा देता हूँ कुछ चीज़ें होती है जो यहाँ क्विज़ में कवर हो जाती है कुछ चीज़ें हम आंसर राइटिंग में कर रहे हैं कुछ हम सेपरेटली प्रिलिम्स बैच में भी कर रहे हैं कुछ हम मेंस बैच में भी कर रहे हैं ये सब टोटेलिटी में आप देखो तो आपको कहीं कोई गैप्स नजर नहीं आएंगे ओके जस्ट बी रेगुलर एंड जस्ट बी रेगुलर एंड होमवर्क करते चलो आपका सारा जो एग्जाम रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग स्पेशली द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी ये सब यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ओके सी अब जो नेक्स्ट है वो है विल आर बी आई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रूपी अब क्या हो रहा है जैसे हमें ट्रेड करना है रशिया से पेमेंट कैसे करें पेमेंट या तो हो सकता है डॉलर से या फिर हो सकता है बैंक के थ्रू डॉलर पेमेंट करेंगे बट डॉलर का अगेन शॉर्टेज है रशिया को भी डिफिकल्टी इंडिया को भी डिफिकल्टी सेकंड पेमेंट अगर बैंक से करेंगे तो रशियन बैंक है वो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिए गए तो पेमेंट कैसे करें हम तो हम एक ऑल्टरनेट निकाल रहे हैं क्यों ना रुपयी में पेमेंट कर देगी एक एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोले और फिर रुपी पेमेंट इनेबल कर दे वहां पे ताकि जो रशिया और इंडिया इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो इस रूट के थ्रू स्मूथली कैरी आउट हो जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला एडिशनल अरेंजमेंट होगा इनवाइसिंग पेमेंट सेटलमेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडियन रुपी में डॉलर नहीं इंडियन रुपी में तो इंडियन इंपोर्टर्स हैं वो पेमेंट कर सकते हैं इन रूपी टू तो द स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री तो एक वॉस्ट्रो अकाउंट है कॉरेस्पॉन्डेंट रशिया ने खोल लिया है ना उसमें आप इंडियन पेमेंट से इंडियन रूपी में पेमेंट कर दो फिर वो कन्वर्जन की फैसिलिटी होगी वो बैंक कर लेंगे और फिर वो कन्वर्ट होकर रशिया को मिल जाएगा इन्वॉइसिस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवरसीज सेलर तो ये तो इम्पोर्टर हुआ एक्सपोर्टर को करना है प्रोसीड्स करो फ्रॉम द बैलेंसेज इन द डेजिग्नेटेड वॉस्ट्रो अकाउंट अगेन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री में आप कर दो तो एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोल दिया एक इधर एक इधर उसमें कुछ कुछ पैसे भी डाल दिया हमने और इसके थ्रू अपन जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंडक्ट करा रहे हैं तो आर बी आई ने एक्सप्लिसिटली कहा एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन अ सेफ सिक्योर एफिशियट वे में हो बिकॉज स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं वॉट इज स्विफ्ट जैसे स्विफ्ट इज काइंड ऑफ मैसेज बहुत सारे बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बेल्जियम बेस्ड स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बैंक्स आपस में जो मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं वो स्विफ्ट के थ्रू करते हैं कि जैसे इस बैंक ए बैंक है इसने बी को इतना पैसा दिया अब यूज़र ए का भी हो सकता है इधर बी का भी हो सकता है वाया ए टू बी जा रहा है तो इसके लिए इस प्रोसेस पे स्विफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो दिस इज स्विफ्ट अब कहने को तो स्विफ्ट पॉलिटिकल एंगल से पॉलिटिकल रहना चाहिए था बट स्विफ्ट ने रशिया को बैन कर दिया तो अब पूरे वर्ल्ड में बात चल रही है कि ये जो स्विफ्ट है ये लाइक यू वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेटेड है वी नीड अ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन तो दिस इज दैट अब रशिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अग्री रहेगा इंटरेस्ट रहेगा प्रेज इंटरेस्टेड रहेगा प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो सरप्लस वॉस्ट्रो में बच रहा है जैसे आपने कुछ एक अकाउंट लिमिट बना दिया पूरा पूरा पैसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं हुआ तो वो इन्वेस्ट भी कर पाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट डिड नॉट नीड परमिशन अर्लियर डूइंग बिजनेस विद रशिया यूजिंग रूपी वुड मीन कि अबे अभी जो हार्ड करेंसी डॉलर का है जो शॉर्टेज आउटफ्लो हो रहा है वो भी हम सेफ कर देंगे तो दिस इज अ गुड थिंग स्मॉलर बैंक पे हमें पहले यहाँ पे ट्रायल करना चाहिए बिकॉज इस बात पे वेस्टर्न वर्ल्ड सेंक्शन भी लगा सकते हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मेजर बैंक्स में स्विफ्ट से आउट हो जाए या मेजर सेंशन लगे सो वी शुड फर्स्ट इनिशिएट गो थ्रू दिस प्रोसेस बाय स्मॉलर बैंक उनको आगे रख के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो दिस इज रुपी अब सेकेंड पैरिटी की बात है देखो यूरो स्ट्रॉन्ग करेंसी था मतलब वन यूरो डॉलर से ज्यादा था बट अब यूरो और डॉलर बराबर बराबर आ रहे हैं तो दिस इज़ अगेन वाई बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो रहा है वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट है और यूएस टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी अपना रहा है प्राइमरली इसी के कारण जो यूरो है वो भी डॉलर से है तो ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी ही डेप्रिशिएट हो रहा है यूरो भी डेप्रीशिएट हुआ जो जो जापान का है दिस करेंसी वो भी अप टू ट्वेंटी परसेंट डेप्रिशिएट हुआ है सो so पूरे वर्ल्ड में जो करेंसी है वो विद रिस्पेक्ट टू तो डॉलर डेप्रिशिएट हुई और डॉलर मजबूत है आगे क्या होगा यूएस फेडरल रिजर्व और टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा फर्दर और इस टाइप के इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे तो ये जो दूसरी करेंसीज हैं वो डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा डेप्रिशिएट हुई है एच का प्रॉफिट ट्रेड डेफिसिट भी है वॉरंट मॉनिटरिंग देन दिस इज वोडाफोन इंडिया एंड एग्रेसिव लोन आज संडे है तो आज के आज ये नहीं आते एडिटोरियल्स वगैरह आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफ ये सारी चीज़ें आती हैं ये एलिफेंट कैंप है यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई एलिफेंट की हिस्ट्री है कि वो अग्रेसिव रहा या फिर उसने लोगों को मारा है एट्सेट्रा तो उसको थोड़ा कंडीशन करने के लिए यहाँ कैंप में लाया जाता है यहाँ पे कुमकीज़ होते हैं टस्कर्स ट्रेन फॉर स्पेशल ऑपरेशन ये टस्कर का मतलब क्या होता है टेल टस्क वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टस्कर क्यों बोलते हैं एलिफेंट को ओके okay. और आइवरी का मीनिंग क्या होता है टेल कैप्चर करते हैं ऐसे एलिफेंट्स को उनको ट्रेन करते हैं सिखाते हैं उनका जो एनिमल का बिहेवियर बहुत हद तक ह्यूमन पे डिपेंडेंट होता है वो जस्ट रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर सो दैट इज़ वाई उनको ट्रेन किया जाता है सच टाइप ऑफ एलिफेंट्स को फिर वापस उनको रिलीज कर देते हैं तो दिस इज दिस कैम्प एट द एलिफेंट कैम्प सी एलिफेंट इज़ सो ब्यूटिफुल दिस इज़ वेरी जेंटल जाइंट ओके वेरी ग्रेसफुल दिस इज एलिफेंट Okay. So, this is today's newspaper. This is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.